Learning how to drive is not just the ABC of driving, which is accelerator, brake and clutch. Iske alawa aapko environment ke bare mein janna bhi zaruri hai, kis mahol mein aap drive kar rahe hain. For example, if you're driving during the peak hours, us time mein lane changing ke upar ehtiyat bartna zaruri hai, because the kind of traffic we see, wahan pe ek choti si galti bhi aapke liye aur baakiyon ke liye khatra bana sakti hai. जब भी आप सफर पर निकलते हैं, जब भी ड्राइव पर निकलते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए, बिकॉज इफ यू हैव एनफ टाइम इन आवर हैंड्स देन वी आर ऑलवेज ड्राइविंग वेरी पेशेंटली. अपने चेकअप के साथ साथ अपनी गाड़ी का भी हेल्थ चेकअप आप कराते रहिए, बिकॉज एब्रप्ट एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो पीक आवर ट्रैफिक में दैट कैन बी रियली डेंजरस. व्हेन वन कार कोलाइड्स विद अदर, पीछे से जो गाड़ियाँ होती हैं वो टकरा दी जाती हैं. रीज़न बहुत ही कॉमन होता है, बहुत नज़दीक, बहुत टेलगेट करके हम चलाते हैं अपनी अगली गाड़ी से. फॉर पीक आवर ट्रैफिक, पीक आवर ड्राइविंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट डिस्टेंस. सेफ ड्राइविंग ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ है. और अब तो स्मार्टफोन्स के साथ इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पर आराम से आपके पास सभी मैप्स हैं. यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर नेक्स्ट कार, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार, सो दैट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और अनटॉवर्ड मूवमेंट जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आप ऐसे में तुरंत रिएक्ट कर सकें. इस वजह से अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, और न सिर्फ अगली बल्कि अगली की अगली गाड़ी के ऊपर भी. यू शुड ऑलवेज कीप एन आई.